चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर 2, 1 माइनस 1 एंड 4, 4 माइनस 7 इज. सो बच्चों, हियर अवर की कॉन्सेप्ट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग अ वेक्टर इज गिवन बाय A वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अब यहां पर आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, 1 माइनस 1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 4 माइनस 7. तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ P. तो वो हो जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस k कैप. इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ q, तो 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप. अब आपको pq बताना है, सो दैट वुड बी q वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p. तो 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2, 2i कैप, 4 माइनस 1, 3j कैप माइनस 7 प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 6k कैप. अब आपको इसका यूनिट वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ. तो उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं PQ कैप से. तो वो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड माइनस 6 का स्क्वायर 36. तो ये आ जाएगा अंडर रूट 49, जो कि होता है 7. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.